चौरी थाना क्षेत्र के धनवतिया गांव निवासी मुनीब कुमार गुप्ता पुत्र राजमणि गुप्ता जो जनपद बदोही के मूल निवासी हैं, आज सुबह लगभग 7 बजे अपने पिताजी और चाचा जी के साथ घर पर बैठकर आपसी विचार विमर्श कर रहे थे। रमेश गुप्ता सहित भुल्लन गुप्ता सहित मौके पर वहां आ गए। सुरेश मिश्रा और अमरेश मिश्रा पुत्र हरि नारायण मिश्रा और अनुज मिश्रा पुत्र सुरेश चंद्र मिश्रा, अंकित मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा, अनुराग मिश्रा पुत्र अमरेश मिश्रा ने संजय गुप्ता जो मेरे चचेरे भाई हैं उनका गला पकड़ लिया और गाली गलौज करने लगे। हमारे द्वारा बीच बचाव करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अभी तक जिनका नाम दरखास्त में लिखा गया है उनके ललकारने पर रमेश गुप्ता और भुल्लन गुप्ता व अंकित मिश्रा मेरे चाचा जी के सर पर पीछे से वार कर दिया और हम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले पिताजी जमीन पर गिर गए और वे लोग जान से मारने की धमकी देते हुए अमरेश मिश्रा की कालीन कंपनी में भाग निकले। मनीष गुप्ता ने बताया कि अमरेश मिश्रा पूर्व विधायक विजय मिश्रा के समधी है। यह लोग दबंग किस्म के हैं। वहीं दूसरी तरफ चौरी थाना अध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। स्वागत है आपका 24 आवर स्टूडियो न्यूज नेशनल टीवी चैनल में। आज मैं भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र में मौजूद हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर हम बता दें कि नीलम गुप्ता जी ग्राम प्रधान धनवतिया के हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इसे वार्तालाप करते हैं। क्या नाम है? नीलम गुप्ता। क्या मामला है? मामला ये था सर कि कल हम लोग प्रधान हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, और जब से हम प्रधान बने हुए हैं अमरेश मिश्रा पूर्व प्रधान के, तो वो तो एप्लीकेशन नहीं देते हैं लेकिन दूसरों से दिलवाते हैं। तो हम लोग का रिपोर्ट का आया था जांच, तो रिपोर्ट का जो जांच है तो बड़े अच्छे से जांच हो गया, कोई कुछ मामला नहीं था। तो जो ये आपका भल्लन है और रमेश है और प्रभाकर है, ये तीनों लोग कल गए गोपालपुर में, तो वहाँ से मेरे चाचा से सतमय गुप्ता जी से उन्होंने झगड़ा किया, विवाद किया, तो वहाँ का मैटर वहीं शांत करा गया। तो आज सुबह ये लोग गाली गलौज पे आके, आज सुबह 7 बजे सुबह ये हुआ कि मेरे चाचा उनको बुला के पूछ रहे थे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, 40 साल से आप लोग भी प्रधान है, हम लोग किसी की कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, आज हमारे घर के एप्लीकेशन क्यों इतना पड़ रहा है, हमारे घर के प्रधान बने हुए आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब से वो लोग अमरेश मिश्रा के जो कालीन बीनते हैं उनके घर में बैठ के, तो वहाँ से वो लोग राड निकाले, राड निकाल के मेरे पिताजी के सर पे वो आवार कर दिए और वो वहाँ मौके से तुरंत वहाँ पे गिर गए। आपके पिताजी कहाँ हैं? इसमें हॉस्पिटल में है और गंभीर स्थिति में है। एक डॉक्टर ने उनको यहाँ से रिफर कर दिया, तो वो गए हैं इसमें जीवनदीप में है, उनका सीटी स्कैन का सब कुछ हुआ है, अभी गंभीर हालत में है वो। चौरी थाने पे आप मौजूद हैं जो है, तो यहाँ पर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई की है, क्या आपने तहरीर दी है उन लोगों के खिलाफ? हाँ, उन लोगों के खिलाफ अमरेश मिश्रा सुरेश मिश्रा के खिलाफ हमने पिटीशन दिया है और हम ये भी कहते हैं जब तक अमरेश मिश्रा अनुज मिश्रा जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते हम लोग 9 दिन के भूखे हैं और यही प्रशासन के पास बैठ के हम अपनी मांग करेंगे कि अमरेश मिश्रा सुरेश मिश्रा को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। पुलिस अभी तो कुछ बोली नहीं है, अभी हमने एप्लीकेशन दिया है, पुलिस कुछ बोली नहीं है, लेकिन हम जब तक क्या नाम है? आज चोरी थाने पे आप मौजूद है, क्या मामला है यार? मामला ये है की सुबह सुबह हमको बुलाया गया यहाँ सब कुछ हो रहा है, बातचीत हो रहा है, सब लोग वहाँ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते अचानक अमरेश मिश्रा के वो अचानक मेरे छोटे वाले भाई का इसका ढोकर पकड़ लिया, इसे ढोकर पकड़ लिया, इसको मैंने ढकेल दिया उठा के, हाथ टूट दिया इसको, ढोकर पकड़ लिया इसको, मैंने पहले वही लोग हाथ उठाए, पहले वही लोग हाथ उठाए, हम लोग बात ही कर रहे हैं, हमारे लोग पकड़ लिया, सोनी गुप्ता जी बोले कि देखिए आपका आदमी, हम लोग हाथ उठा रहे हैं, हाथा भाई मत करिए यहाँ पे, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं सोनी गुप्ता।